क्या देखकर वोट कर रहे हो? बहुत हंगामा चालू है, अब की बार 400 पार, तानाशाही नहीं चलेगी। जर्मन शेपर्ड भड़का रहा है, CIA का एजेंट है भाई, कुछ भी कर लो आएगा तो अपना फेवरेट ही। सभी राइट है और सभी रॉन्ग भी है, क्यों? क्योंकि हम जब वोट करते हैं तो इमोशंस में आ जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहकावे में आ जाते हैं, और सिर्फ कास्ट, धर्म और रिलीजन के बेसिस पे और इमोशनल इनसिक्योरिटी के बेसिस पे हम वोट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके वोट को मिसयूज मत होने दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे के सारे शब्द छोड़ के मुंह से निकल रहे हैं, वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच है झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच है झूठ? कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट। जय श्री राम, जय जिनेंद्र। मैं हूं आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटर बसेश गाला, और आज हम देखेंगे कि वोटिंग का पावर क्या होता है। लोकसभा इलेक्शन का मतलब देश को चलाना है, और देश के हर रिप्रेजेंटेटिव और एरिया से जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा है वो रिप्रेजेंट करेगा डिसीजन मेकिंग मिनिस्टर्स के सामने, प्राइम मिनिस्टर्स के सामने। ये सभी ग्रुप के अंदर 5 चीज होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप क्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट भरोसा कि देश की सिक्योरिटी का क्या होगा, हम चारों ओर दुश्मनों से घिरे हुए हैं, क्या हमारा वजूद रहेगा। थर्ड, देश का इकोनॉमी कितना बढ़ेगा, देश में इनकम कितनी बढ़ेगी। चौथा, देश को एजुकेशन में, सिविक बेनिफिट्स में कौन आगे लेके जा सकता है। एंड फिफ्थ, किसके पास वो विजन है, किसके पास वो प्रोवन एक्सपीरियंस है। अब सबके पास अपना आंसर है कि ये आदमी परफेक्ट है, इस पे हमें ब्लाइंड फेथ है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, एक आदमी परफेक्ट हो सकता है, शायद देश का लीडर के लिए वो सबसे बेस्ट हो सकता है, लेकिन क्या आपका MP परफेक्ट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? क्या आपने कभी क्वेश्चन किया है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हमें, हमारे इलाके को देश के पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स के सामने रिप्रेजेंट करेगा? क्या आपने कभी चेक किया है कि उसके कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उसका वेल्थ कितना बड़ा? पता चला कि पहले वो सब्जी बेचता था और आज 10,000 करोड़ का मालिक है। तो हमारे पास ये अधिकार क्यों नहीं है कि हम हमारे चहेते लीडर्स को बोल सके कि प्लीज आप तो बेस्ट हो, हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप रिप्रेजेंटेटिव को भी बेस्ट रखो। क्यों हमें मजबूर कर रहे हो क्रिमिनल्स के साथ, करप्ट लोगों के साथ, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वेल्थ खाना है और लोगों को और दबाना है, क्यों हमें मजबूर कर रहे हो? और इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है कि आवाज उठाओ, क्रिटिसाइज करो, कम्युनिकेशन करो, डिस्कशन करो कि हम आपको चाहते हैं, आपकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, और अगर वो सुनने को तैयार नहीं है तो हम उनसे प्यार भी कर सकते हैं और उनसे विवाद भी कर सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा हथियार है नोटा, NOTA। हमारे पास वो अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर्स और बाकी पॉलिटिशियंस नहीं चाहते कि हम वो अधिकार यूज करें, लेकिन नोटा के बटन को दबाइए कि ये भी, जो भी हमारे MP रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हैं, जो इलेक्शन में खड़े हैं हमारे एरिया से, हमें ये पसंद नहीं। नोटा, नन ऑफ दी अभाव। आज नोटा डाइल्यूटेड है। अगर आप नोटा को वोट करते हो तो आप डिसेंट दिखाते हो, और अगर नोटा सबसे हाईएस्ट वोट बन गया तो नोटा का कोई इंपैक्ट नहीं है, जिसको सेकेंड हाईएस्ट वोट है वो ऑटोमेटिक वो इलेक्शन वो एरिया का जीत जाएगा। लेकिन मैसेज बहुत स्ट्रांग जाएगा कि यहाँ पे एक मेजॉरिटी परसेंटेज या सिग्निफिकेंट परसेंटेज लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव से हैप्पी नहीं है, और मेरा दरखास्त है कि आप सब आवाज उठाओ। सुप्रीम कोर्ट को भी एक रिक्वेस्ट है कि आप नोटा को और पावरफुल करो, जैसे कुछ देश में होता है कि अगर नोटा सबसे पॉपुलर ऑप्शन हो गया तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके डिपॉजिट जब्त हो जानी चाहिए और उनको वो एरिया से इलेक्शन लड़ने का अधिकार अगले 5 साल तक नहीं मिलना चाहिए। तब आप सिटीजन्स के हेल्थ में इतना पावर दे रहे हो कि आप पार्टी को बोल सकते हो कि हम आपके आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं, लेकिन हमको क्लीन, हार्डवर्किंग और इंटीग्रिटी वाले कैंडिडेट चाहिए
क्रिमिनल्स, चोर या एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं चाहिए। ये वीडियो बहुत दिल से मैंने बनाया है, किसी को अगर बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक ही हेतु है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव सही हो और भारत देश आगे बढ़े। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना एंड फॉर सच अमेजिंग लीडरशिप कॉन्टेंट कीप फॉलोइंग बसेज करना।